और नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए, उनको प्रोटोकॉल भी बहुत मिला है, वो सारे जो सेलिब्रेशंस हैं इसके वो समझे में माने खसूसी भी हैं, और उन्होंने सारे विजिट्स वगैरह भी करने हैं वहां पे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नया पाकिस्तानी वीडियो लेके आई हूँ, तो एक बार वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और नरेंद्र मोदी जी ने अपना वहां पे जो बातें की हुई हैं सेपरेशन के हवाले से, वो भी जारी बात है, पाकिस्तान को तो अच्छी नहीं लगती ना, पाकिस्तान के अवाम को अच्छी लगती हैं, लेकिन बांग्लादेश को अच्छी लगती हैं, और बांग्लादेश और हमें भी मेरा ख्याल है मूव ऑन कर देना चाहिए बांग्लादेश के साथ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो हसीना वाजद साहबा हैं वो इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा जिंदा रखना चाहती हैं, वो हिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा जिंदा रखना चाहती हैं, ताकि वो अपनी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो स्टैब्लिश कर सकें। वो जितना ज्यादा एंटी पाकिस्तान बोलेंगी तो उतना ही ज्यादा उनको फायदा होगा, लैंग्वेज के हवाले से, जो उस वक्त के जो मामला खराब हुए उस हवाले से, फिर भारत की सपोर्ट जो है उस हवाले से, तो वो बेसिकली अपने आप को उस फेज से बाहर नहीं निकलने देना चाह रही। एक तो सारी बात है, जब आप आइडेंटिटी की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, जब आप अपनी सिक्योरिटी की बात करते हैं, अवाम के साथ जो एक कनेक्शन की बात करते हैं, तो शेख हसीना वाजिद और उनके जो वालिद हैं उन्होंने वो एक दे कैरी द लेगेसी, सो वो नहीं चाहती कि मैं इस चीज को खत्म करूं, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे रहना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि पाकिस्तान तो टाइम एंड अगेन ये कह चुका है कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन बांग्लादेश इस चीज को नहीं इतनी, जिसे कह रहे हैं ना, कि सीरियस नहीं ले रहा। इसका भी क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करते हैं। अब देखे ना, 1972 में बांग्लादेश एक गरीब मुल्क था, ऑब्वियसली जब बना उसकी जीडीपी माइनस में थी, और अभी बांग्लादेश जो है अगली एक डेकेड में तकरीबन दुनिया की 25 जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें बांग्लादेश जो है वो जा रहा है। सो इट मीन्स दे हैव कवर्ड, दे हैव डन, उन्होंने काफी ज्यादा सफर जो है वो तय किया है। उसके हवाले से हमें इन चीजों को भी समझना होगा कि बांग्लादेश जो है इंडिया के बहुत करीब है, इंडिया ने अपनी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करा रखी है। हमें ये समझना है कि हम कैसे इस सारी इक्वेशन में आ सकते हैं। पाकिस्तान ने रिसेंटली जो बातें हुई हैं उन बातों का ये तो चलो फायदा हुआ है कि हमने इंडिया को बड़ी सिग्नलिंग की है, लेकिन शायद पाकिस्तान भी अभी बांग्लादेश के साथ उस तरह जो टॉप लीडरशिप है वो सिग्नल नहीं दे रही। शायद वो समझते हैं कि हमें आहिस्ता आहिस्ता ये सिग्नल देना चाहिए, लेकिन आई पर्सनली अंडरस्टैंड के जो चाइना है वो पाकिस्तान को और बांग्लादेश को करीब कर सकता है। अगर देखा जाए कि जो बांग्ला इंडिया के और बांग्लादेश के कुछ मिसाइल हैं जिसमें चाइना अपने आप को जो है वो इंटरफेयर करता है, फॉर एग्जांपल पानी के मिसाइल हैं, जो 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 तीस्ता रिवर है ये अगर वहां से जो पानी जाता है बांग्लादेश में, तो वो बांग्लादेश इज नॉट कंफर्टेबल विद इंडिया ऑन दैट। और हालांकि जो इंडियन की गवर्नमेंट है वो इस मसले को हल करना चाह रही है, और लेकिन समहाउ जो जो पानी की शेयरिंग का मसला है वो है, और इस हवाले से जो इंडी चाइना है उसने अपने ऑफर दी है कि जी हम तकरीबन, चाइना जो है वो $1 बिलियन की जो मदद देना चाह रहा है कि इरिगेशन प्रोजेक्ट और रिवर्स के लिए, और चाइना वैसे भी, और चाइना बांग्लादेश जो है वो मदद लेना चाहता है, वो अपनी इस रिलेशनशिप में इकोनॉमिक बेनिफिट लेना चाह रहा है, सो वो इंडिया के साथ भी बिजनेस करना चाह रहा है, चाइना के साथ भी काम करना चाह रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि एक साइजेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है बांग्लादेश के अंदर जो इंडिया की जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर अटैक करता है, जो CAA के हवाले से हैं या मुस्लिम्स के हवाले से हैं, या जो अमित शाह साहब ने मुसलमानों को जो थे वो उनको कहा गया, उनकी जो टर्माइट्स कहा गया कि, और उनकी ह्यूमिलेशन की, तो वो चीजें भूलते नहीं है। शायद बांग्लादेश की एक छोटी सी पॉपुलेशन है जो समझती है कि जो इस वक्त की लीडरशिप है वो हमें मुसलमान होने की वजह से वो नहीं सोच रही, लेकिन मुनासिब ताल्लुक नहीं देती। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो चीज हमें समझनी चाहिए वो ये समझनी चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट है कि हमें डीपोलिटिसाइज करना है, जिस तरह बांग्लादेश ने और इंडिया ने अपनी हर चीज को डीपोलिटिसाइज किया टू हैव इकोनॉमी, टू गिव इकोनॉमी अ मोर इम्पोर्टेंट प्लेस। बांग्लादेश की बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है
इंडिया के ऊपर, और इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ए जो है वो करते रहते हैं बहुत ज्यादा। इवन कि अनियन जो है वो बांग्लादेश, इंडिया से बांग्लादेश जाता है, और बहुत सारी चीजें, वी कैन टॉक ऑन दैट, बट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ लार्जर प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। हमें इन चीजों को जरा समझना है कि हम डीपोलिटिसाइज कैसे कर सकते हैं। चाइना अगर आगे आता है तो हमारे लिए चीजें वो नॉर्मलाइज कर सकता है अगर चाइना अपना रोल प्ले करे। अब चाइना कैसे रोल प्ले कर सकता है, जितनी चाइना की ज्यादा लिवरेज होगी बांग्लादेश में उतना ज्यादा आसानी से वो रोल प्ले कर सकता है। और अगर चाइना ने वो अपना रोल ना प्ले किया तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो डायरेक्ट हमारे इंडिया के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात है वो नॉर्मल होने में बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बांग्लादेश, जैसे मैंने पहले बताया कि बांग्लादेश अपने आप को वो उस माइंडसेट में रखना चाहता है, वो अपना जो आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ रखना चाहता है कि जी हमें देखें, हम जो है वो हमें आजादी की हालत में मिली, हमें बड़ा मुश्किल वक्त था, हम आप देखें तरक्की कर गए हैं, हम आप इंडिया पाकिस्तान से बेहतर इकोनॉमी बन गए हैं, और हमें जो है वो चीजों को और उसी पराये में देखना है, हमें माजी नहीं भूलना चाहिए। अब पाकिस्तानी भी अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर लिया है, एंड वी आर मूविंग फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे लोगों का है कि जियो इकोनॉमिक्स में अगर जाना है तो अगर जारी बात है कि वो अपनी जो पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी है वो रखना पड़ेगा। पाकिस्तान का आप जारी बात है IMF के भी मसाइल हैं, बाहर से जब पॉलिसी जब डायरेक्टिव आते हैं, IMF की जब चैलेंजेस आते हैं, वो फिर हमें डोमेस्टिकली अपनी पॉलिसीज बदलते रहना पड़ता है, जिससे हम वो जो पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी है वो नहीं रख सकते। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज जो बांग्लादेश और इंडिया ने सामहाउ किया है वो है आपकी आपके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो रहेगी। और पाकिस्तान जो है वो जो मुशर्रफ साहब का फॉर्मूला था कि हमें चीजों को आगे लेके जाना है और इंडिया के साथ एंगेज होना है, अभी मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप है दे आर थिंकिंग टू फार, वो बहुत दूर की सोच रखते हैं, एंड दे बिलीव कि यस हमें थोड़ा लंबा सोचना है, और उस लंबा और लॉन्ग टर्म सोचना है, और पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी रखनी है, और मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहनी चाहिए, ताकि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके पास भी ये ऑप्शन आएगी नहीं जी देखें हमें तो जो है वो उन्होंने जो है वो रूल नहीं करने दिया, हम अपनी मर्जी से चीजें नहीं कर सके। सो मेरा ख्याल है मिलिट्री की तरफ से भी सारी सपोर्ट है, पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी भी डेवलप होगी ऑब्वियसली, बिकॉज हमारे पास अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, और हमारे पास डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी भी मौजूद है। ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड इज के वी नीड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमें चाहिए, जो कि ऑब्वियसली हमें चाइना के अलावा कोई इतना लंबा चौड़ा कहीं से आ नहीं रही, तो हम अगर ये करें तो बेहतर हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा चीजों को डीपोलिटिसाइज करेंगे व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद द नेबर्स, जब डीपोलिटिसाइजेशन होती है तो डीपोलिटिसाइजेशन से बड़े फायदे होते हैं, आप भूल जाते हैं कि आपके मसले क्या हैं, एंड यू जस्ट कीप ऑन मूविंग टूवर्ड्स जो है ना सिर्फ इकोनॉमी को देखते रहते हैं। जिस तरह बांग्लादेश ने इंडिया से कोविड के हवाले से बड़ी मदद ली है, तो अगर हम चीजों को डीपोलिटिसाइज कर सकते हैं तो हम और बहुत सारी चीजों में इंगेज हो सकते हैं। कोविड के हवाले से इनके मिसाइल भी रहे हैं बांग्लादेश के और इंडिया के, लेकिन वो सारी ये टेक्टिकल लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल पे जब मोदी जी पहुंच रहे हैं बांग्लादेश में और इतना ज्यादा वो लॉन्ग टर्म वो इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इतना ज्यादा इनको इंगेज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू इट।